सलमान खान की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी आ रही है लवरात्रि, जो कि एक रोमांटिक फिल्म होगी जिसको अभिराज मीनावाला डायरेक्ट कर रही है। सलमान भाई की सिस्टर अर्पिता खान के हस्बैंड आयुष शर्मा की बॉलीवुड डिबट होने वाला है लवरात्रि मूवी से, और लीड लेडी पर वारिना हुसैन को देखने मिलेगी। और इस मूवी में इन दोनों की लव स्टोरी देखा जाएगा, जिसका प्यार नवरात्रि की धड़हन परवान चढ़ता है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म का नाम को लेकर हिंदी संस्थान का आक्रोश है। ये नाम लवरात्रि से हिंदू की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। लवरात्रि हिंदू के फेस्टिवल नवरात्रि को तोड़कर बनाया गया है। और दोस्तों बता दूं कि हिंदू संस्थान ने अनाउंस किया है, जो भी सलमान खान की पब्लिक में पिटाई करेगा उसको 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इसी हिसाब से सलमान अभी लवरात्रि का नाम बदलने का विचार कर रही है, क्योंकि सलमान किसी भी विवाद से दूर रहना चाहती है। वो जल्दी ही एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू करेगी, जिसमें लोगों से लवरात्रि के लिए एक नया नाम सुलझाने के लिए कहा जाएगा। और दोस्तों ये लवरात्रि मूवी 5 अक्टूबर 2018 में रिलीज होगी। अब बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से ये नहीं लगता कि हिंदू संस्थान कुछ ज्यादा ही कर रही है? और एक बात दोस्तों, लवरात्रि नाम चेंज कर कौन सी नाम देना अच्छा होगा आपको लगती है, कमेंट करके मुझको बताएं। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और ऐसे ही मूवीज अपडेट पाने के लिए मलिशा जरीन चैनल को सब्सक्राइब करना।